वापसी हो चुकी है और राहुल गांधी आज भारतीय कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हो चुके हैं और उन्हीं के संदर्भ में यहाँ जो काफिला आप देख रहे हैं, यहाँ युवा भी आए हैं, आइए हम इनसे जानकारी लेते हैं। मैडम, आज राहुल गांधी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं, आज मांग थी युवाओं की जो नेतृत्व करे कोई युवा करे, तो आपको कैसा लग रहा है? हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, राहुल जी बहुत आगे बढ़ के आए हैं और यूथ को वो बढ़ावा देंगे, हमें पूरा यकीन है। और जैसे कि आपको यहाँ का माहौल देखिए पता ही चल रहा होगा कि क्या माहौल है, सब बहुत खुश है, बहुत ज़्यादा खुश है कि हम बता नहीं सकते, वो आपको देखकर ही यहाँ पता चल रहा होगा। और जैसा कि राहुल जी ने कदम उठाई लिया आगे बढ़ाने का, सबको आगे ले जाने का, तो ये यूथ को ही बहुत ज़्यादा आगे मोटिवेट करने वाले और उन्हें आगे लेके जाएंगे और हम ज़रूर कामयाबी की ओर जाएंगे और एक देश को भविष्य उज्ज्वल बनाएंगे। यूथ ही आगे, क्योंकि एक यूथ ही है, यूथ की वजह से ही देश का भविष्य है, उनके हाथ में है, वो ही आगे लेके जाएगा तभी देश का भविष्य बनेगा। तो बहुत खुशी की बात है आज राहुल जी बने और आप माहौल देख के देख ही सकते हैं, जैसा कि हर चैनल्स पर भी दिखाया जा रहा है, तो बहुत खुशी है, हम एक्सपेक्ट बहुत ज़्यादा खुश हैं। मैडम, आपका नाम? गौरी शर्मा, मैं NSUI से। गौरी शर्मा जी, जो निर्भय कांड को आज पूरे 5 साल हो गए हैं, इस संदर्भ में आप क्या कहेंगे? बहुत ही दर्दनाक वो दिन था, जो आज के आज भी सेफ नहीं है गर्ल्स, वही हालत है जो 5 साल पहले थी। और एक केवल वो ही केस नहीं था जो सामने आया, इसके अलावा बहुत ऐसे केस हैं जो आते भी नहीं है, मीडिया दिखाता तक नहीं है, ऐसा भी बहुत केस है, छुपाए जाते हैं केस। और अभी भी दिल्ली की हालत वही है, कोई बदलाव नहीं आया है, लड़कियां रात को 10 बजे के बाहर भी बाहर नहीं निकल सकती हैं, आज भी वही है, सुबह भी उन्हें जल्दी घर आना, वही रूटीन बना हुआ है। जब तक ऐसे रहेगा दिल्ली वही हालत में, मैं तो यही कहूंगी। लेकिन यहाँ जो नेता वादा करते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं और रोजगार की बात करते हैं, तो आज बेटी यहाँ सुरक्षित नहीं है? बिल्कुल भी नहीं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ नारा एक नारा ही बन के रह गया और कुछ नहीं है, ये सब चीजें बोल बोल के तो उन्होंने दिखा दी है, जो असलियत में जो चीज है ना वो दिखाते नहीं है, बस मोटा मोटा वो दिखा दिया जाता है, बट अंदर की जो आप जाके देखोगे ना क्या हालत है लड़कियों की, लड़कियां ऐसी हालत में है, एक अगर आप मैं फॉर एग्जांपल झुग्गियों को आप देख लो, उसके अंदर लड़कियां ऐसे पड़ी रहती हैं, उनको ना तो शिक्षा के बारे में कुछ आगे उनको बढ़ावा दिया जा रहा है, बट जो उनके सामने जो चीज मोटे मोटे तौर पर दिखती है उन्हें आगे ला देते हैं, लेकिन असलियत नहीं दिखाते जो दिखानी चाहिए। और बहुत बेहद शर्म की बात है, दिल्ली में लड़कियां सेफ नहीं है, बिल्कुल भी सेफ नहीं है, ऐसा माहौल है। और अगर ये ऐसे ही रहा तो मेरे ख्याल से लड़कियां किसी भी चीज में आगे नहीं बढ़ पाएंगी, मैं तो यही कहूँ। धन्यवाद।